हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, हमसे किसी ने पूछा कि आखिरकार जो व्हाट्सएप है वो कैसे कमाती है, न तो उस पर कोई एड्स आता है, न तो हमसे कोई पैसा लेता है, आखिरकार कैसे कमाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाती है। व्हाट्सएप जो है वह सन फरवरी 2009 में बना। व्हाट्सएप पहले साल के लिए फ्री था, लेकिन अब जब दूसरे साल जब कोई भी व्यक्ति उसको दूसरे साल के लिए यूज करता तो उसके लिए आपको $1 देने होते, जो कि लगभग आज के हिसाब से 70 या 73 रुपए होगा। हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति व्हाट्सएप को जरूर यूज कर रहा है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप व्हाट्सएप को किस लिए यूज करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, व्हाट्सएप को फेसबुक ने 2014 में खरीद लिया। वही फेसबुक जिसके मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं, आप इनको देखेंगे हमेशा एक टी शर्ट में, भैया इतने अमीर हो तो एक टी शर्ट में खूब टहलते हो। तो आप सभी लोग व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में जरूर सुने होंगे, को बिजनेस के लिए यूज करते हैं और इसका प्रीमियम देते हैं, जो मैं व्हाट्सएप बिजनेस में ऑटोमेटिक रिप्लाई का ऑप्शन होता है। पहली चीज तो व्हाट्सएप बिजनेस से कमाती है। दूसरा तरीका यह है कि अभी आप लोगों ने सुना होगा बीच में कि व्हाट्सएप पे लॉन्च कर दिया है, या व्हाट्सएप मनी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप के जरिए अभी, क्योंकि दोस्तों बात यह है कि कोई भी कंपनी कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों बनाएगी, जब तक वो पैसा नहीं कमाएगी तो क्या मतलब है। दोस्तों, पैसे कमाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कंपनी वाले कि कैसा तरीका यह है कि व्हाट्सएप मनी से, क्योंकि होता क्या है कि अब आसानी से व्हाट्सएप से आप एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके बदले व्हाट्सएप कंपनी आपसे कुछ चार्ज लेगी, तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी आपने कुछ बीच में ही सुना होगा कि हमारे भारत के अंबानी जी और मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के मालिक है, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जियो मार्ट के व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन डिलीवरी भी मंगा सकते हैं। उसके ऊपर यह आरोप लगा कि व्हाट्सएप जो है सबके डेटा को स्टोर करता है, एनालाइज करके उस प्रकार से एड्स जो है आपके एनालाइज करने के बाद उस प्रकार के एड्स जो है आपके फेसबुक पे शो करता है। लेकिन फेसबुक ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ बदलाव किया। आप क्या सोचते हैं कि व्हाट्सएप कैसे कमाती है?